नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषविद नागेंद्र तिवारी भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मर्म तत्व का मूल सत्व का परम ज्ञान प्रदान करने वाले आपके अपने इस चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अभी हम राहु जो कि एक छाया ग्रह है, जन्म कुंडली में अर्थात लग्न कुंडली में विभिन्न भावों में उसकी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रभावों पे प्रकाश डाल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम राहु के लग्न कुंडली में लग्न से दशम भाव अर्थात कर्म भाव में स्थिति होने पर वे क्या फल प्रदान करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह राहु द्वारा जनित सामान्य फल है जो जन्म कुंडली में लग्न से दशम भाव में राहु की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि राहु जन्म कुंडली में यदि शुभ है अर्थात मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशियों में विराजमान है तो वह क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, यहाँ स्थित राहु आपको बलवान और निडर बनाता है। आप बुद्धिमान, परोपकारी और कुछ हद तक चिंता युक्त हो सकते हैं। यदि आप गर्वीले स्वभाव के हैं तो भी यहाँ स्थित राहु धीरे धीरे आपके भीतर स्थित घमंड को शनै शनै धीरे धीरे दूर करता है या करवाता है। आपकी जो रुचि होती है पोएट्रीज में, काव्य में और कविताओं में, सिंगिंग में और किसी भी तरीके से फाइन आर्ट्स में हो सकती है। आप एक अच्छे लेखक या संपादक भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर भी हो सकते हैं। आप अपने पूरे जीवन काल में सफलता, सम्मान, कीर्ति और श्रेष्ठता प्राप्त करते रहते हैं क्योंकि दशवां भाव भी एक उपापचय भाव है। इसमें राहु अपने श्रेष्ठ फल जरूर प्रदान करता है। कर्म क्षेत्र में यह आपको काफ़ी प्रसिद्धि और बुलंदी पे भी पहुंचा सकता है। आप पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सफल हो सकते हैं। इस प्रकार आप लोक समूह, गांव या नगर के कई बार तो बहुत अगर शुभ है तो राज्य या देश स्तर के नेता या अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ स्थित राहु आपको मंत्री या सेनापति भी बना सकता है। यहाँ स्थित राहु आपको गंगा स्नान का लाभ देता है। मतलब जीवन में कभी भी एक बार तो आप जरूर किसी न किसी प्रयोजन से किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करते हैं जिससे आपके बहुत सारे कर्म से जनित दोष और पाप धुलते हैं। आप यज्ञ कार्य भी करते हैं यानी परोपकार के कार्य करते हैं, चैरिटी वगैरह कार्य करते हैं। आप अपने शत्रुओं का नाश करने वाले व्यक्ति हैं, शत्रुजयी हैं और आमतौर पे आपके इसी शत्रु नाशक और शत्रुजयी या कंपटीशन में विजयी स्थिति के कारण आपके बहुत कम कंपटीटर या शत्रु पाए जाते हैं या टिकते हैं। तो यहाँ स्थित राहु आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में अशुभ है तो उस कंडीशन में राहु के दुष्प्रभाव के कारण इस स्थिति में आपके पुत्र संतति की संख्या अर्थात पुत्र संतान की संख्या कम हो सकती है। आप व्यापार में निपुण और यात्राएं करने वाले व्यक्ति हैं, आपको अदालती कामों में विजय मिलेगी। लेकिन यहाँ स्थित राहु पूर्व अवस्था में मतलब जो 36 साल के पहले की अवस्था होती है आपके जीवन की, वो प्रारंभिक जो पार्ट होता है उस पूर्व अवस्था में कष्ट भोग कर ही ये लोग प्रगति करते हैं। मतलब स्ट्रगल से, रंग से राजा, स्ट्रगल से विजय, स्ट्रगल टू सक्सेस का सफर ये तय करते हैं। आपको आलसी और उत्साहहीन होने से बचना चाहिए। आपको कर्मों को नियमित रूप से करना चाहिए। व्यर्थ के घमंड और नशे से बचना चाहिए। साथ ही साथ यदि कुंडली में राहु दशम भाव में भी बैठकर आपको अशुभ प्रदान फल प्रदान करा, जो कि बहुत कम स्थितियों में प्रदान करते हैं राहु दशम भाव में, तो आपको राहु के ग्रह शांति मंत्र, बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः का 18,000 बार जाप करना चाहिए। राहु के सिद्ध यंत्र को पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए और नित्य 108 बार ओम राम राहवे नमः इसी मंत्र के साथ और माँ दुर्गा के मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का 11 बार जाप अवश्य करें। आशा करता हूँ दोस्तों कि राहु के संबंध में
दशम भाव में उनकी उपस्थिति से उत्पन्न होने वाले फलादेश को आपने अच्छे से जान लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, साथ ही साथ दिव्य ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपनी कुंडली विशेष का गहन मर्म से और सटीक अध्ययन, विश्लेषण और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के स्क्रीन पे दिए जा रहे हमारे पर्सनल एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, जो कि टेलीफोनिक आपको प्रदान किया जाता है, उस पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8838394943 04, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.astrodivinevision.com के थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।